मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 4 साल में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, 4 साल में सरकार के खिलाफ माहौल बन ही जाता है। ये पहला मौका है जब सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं दिखता। इससे बड़ी सरकार की उपलब्धि और क्या होगी। फिर भी विपक्ष के लोग हमारी सरकार, मंत्री और विधायकों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि ओपीएस का भार 25 साल बाद पड़ेगा। जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा करता है, उसकी सुरक्षा क्यों न हो। अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का है। विकसित देशों में सप्ताह में पैसा मिलता है। अब वक्त आ गया है, मोदी जी देश में सोशल सिक्योरिटी लागू कीजिए। केंद्र 200 रुपए की बुजुर्ग पेंशन देता है। 200 रुपए में क्या होता है। पूरे देश में नीति बने और सबको कम से कम 2000 से 3000 रुपए पेंशन मिले। इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा राज्य दे। गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हमने ओपीएस लागू की, इसका विरोध भी हो रहा है। नीति आयोग ने विरोध किया, वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने विरोध किया, दुनिया के कई अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है। हमने माननीय आधार पर ओपीएस लागू किया है, हमने मानवीय आधार पर ओपीएस लागू किया है। जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा में रहता है, उसे सुरक्षा का एहसास तो होना ही चाहिए। यही मानवीय आधार देखकर मैंने ओपीएस लागू की। गहलोत ने आगे कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल 13 जिलों की योजना है, वहां पानी का भारी संकट है। ईआरसीपी में हमारे यहां के मंत्री शेखावत धोखा दे रहे हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत राजस्थान के हैं, लेकिन वे धोखा दे रहे हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर जब हमने इसका काम शुरू करने का फैसला किया, तो अब कह रहे हैं बंद कर दो। ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई। हमने 9500 करोड़ का प्रावधान कर दिया। जब तक पीएम मोदी इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित न करें, तब तक काम न रुके, इसलिए हमने 9500 करोड़ का प्रावधान किया। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नरेगा को स्मारक कहा था, वो स्मारक ही मुश्किल वक्त में काम आया और आज भी काम आ रहा है। हमने नरेगा से आगे बढ़कर शहरी नरेगा शुरू की है। राजस्थान पहला राज्य है जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। नरेगा ने देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करने और मुश्किल वक्त में इकोनॉमी को संभालने, परचेजिंग पावर बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की है।